जनपद अलीगढ़ के कस्बा जट्टारी से गांव करणपुर से दो पक्षों के बीच विवाद का एक मामला सामने आया है, जिसमें अनुसूचित जाति के लोगों ने कहा है कि वे अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं और उन्होंने अपने घरों पर यह मकान बिकाऊ है लिख दिया है। उन लोगों का कहना है कि एक अन्य समाज के कुछ लोगों की वजह से उन्हें गांव छोड़ना पड़ रहा है। फिर लोग उन्हें अभद्र गाली देते हैं, वे उनके साथ मारपीट करते हैं, जिस कारण वह गांव छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये मेरे चाचा जी हैं, उनका लड़का एक किसान के यहाँ से धान कटाई के पैसे लेने गया था, तो रास्ते में आ रहा था, तो उन्होंने दो लड़के थे मोहित और टिंकू, उन्होंने इससे बोला 500 रुपये ले लेना और ऐसे ऐसे बहन के बारे में कुछ बोला, बदतमीजी की जाति सूचक शब्द बोले, डेढ़ा वेढ़ा। तो इसने विरोध किया तो इसने मार लगा दी वहाँ पे। फिर ये रोता हुआ घर आया तो घर वाले गए तो फिर इनमें मार लगा दी। ये घर पे आए वापस छूट छाट के कैसे भी, फिर घर में घुसा आए और पुलिस सामने वीडियो बना रही है, 112 पे कॉल किया था लड़के ने, पुलिस वीडियो बना रही है ना कि उन्हें निकाल रही घर से। जब गांव के लोगों ने कहा है, मोहल्ले के ने, लोग तुम किस लिए आए हो, आप वीडियो बनाने आए हो यहाँ पे, तो उन्होंने अंदर से जब निकाला उन लोगों। तो जब आप सभी लोगों के द्वारा थाने में तहरीर दी गई है, तो उनका पुलिस प्रशासन का क्या कहना है, कब तक मतलब कार्रवाई की जाएगी? रात में CO साहब आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया कार्रवाई की जाएगी, जाँच चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। क्या था 5 तारीख की बात है ये, मैंने जाटों के घर में ना पैसे लेने गया था काम के, तो गैल में है ना मैं वापिस ही आ रहा, तो मोहित और टिंकू ने है ना मेरे साथ बदतमीजी क्लोज किया और बहनों के बारे में उनसे सीधा बोला था, तो मैं उनके पास में कहने गया, तो अपने पापा के पास आया और पापा को बताया और वो पापा उनसे कहने गए, तो उन्होंने है ना पापा के साथ मारपीट की और मारपीट के हम वापस आ गए। 112 पे हमने फोन किया तो 112 की पुलिस आई थी, उनके सामने है ना उन्होंने सभी झंडे लाके लेके चढ़ाई की उन्होंने, और उन्होंने 112 वाले बचाए तो बचाया नहीं और एक वीडियो बनाने लग रहे। इसके विपरीत दूसरे पक्ष से जब बात की गई तो उनका कहना है कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, बच्चों को लेकर छुटपुट घटना हुई थी जिसके बाद में मामला निपटा दिया गया था, इस मुद्दे को बेवजह तूल देकर बढ़ाया जा रहा है। यहाँ में सब गलत है जी, एक बार बताओ जब ऐसी कोई प्रधान हो या वोटर कहाँ से बन जाते प्रधान वोटर ही हम नहीं, न कोई अम्बेडकर फोरे हो न कछु फोरे हो न कोई मारपीट भाई, ये तो एक दूसरे और मतलब पार्टी बंदी सी वो हमें नाम ले बारे हैं जी, कछु ना है पहले खो चुके हैं, एक छोरा है हम यही चक्कर में वो मार दियो जी भैया जी, वो बालक छोरा मैंने भेजो वहाँ को मिस्त्री के जोरे, इन्हें तीन बालक है जाट बन के, उनने कंधा मार दियो वहाँ में, वो बोले भैया कंधा चो मारो कच्छ मारो तू क्या करेगा, जट उनको लड़ पड़िए छोरा है आया उन्हें पैसे छूट के, जब वो है गए कहाँ छोरा पीट लियो उन्हें खून काट दिए फूट फट गो छोरा को मारियो। तो बताया जा रहा है अब कि आपके पक्ष की तरफ से जाटव समाज के लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, क्या ऐसा भी कुछ हुआ था? नहीं जाटव कोई नहीं धमकाया, धमकाई भी की चल रही है, मैं 6 महीना वो है गए खाट में 6 महीना से परे हूँ आप, मतलब आप चलने फिरने की हालत में नहीं? चलने फिरने ना कहीं जामे मेरो नाम रिपोर्ट। उस पक्ष ने बताया कि आपने भी जाकर के घर पर अभद्रता की है और लड़कियों के साथ में मारपीट की है, बताओ तुम्हारे भर रही हुए के कर सके लड़ाई झगड़ो जो मुँह पर खाटा में से उठो ना जा रहो। दोनों पक्षों के बीच हुए इस मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है, पुलिस ने शिकायत दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जट्टारी से शिवम गोयल के साथ चंचल कुमार शर्मा, जीवर प्रेस के लिए।